देखिए फ्रेंड्स, हमारी बूंदी कितनी गोल बनी है और कितनी खस्ता बनी है। इसको आप चाहे नमकीन के तौर पे खा सकते हैं या आप इसको रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज इसी बूंदी की रेसिपी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये बूंदी बनानी बहुत आसान है घर पे, बस इसमें कुछ एक दो टिप्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जिससे आपकी बूंदी एक तो बहुत खस्ता बनती है और गोल बनती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा कि जो इसमें मैंने टिप्स बताई हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी बूंदी भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी मैंने बताई है। और हाँ, एक काम आप जरूर कर दीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में दिए बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बेसन की बूंदी बनाएंगे आज सिर्फ हम इन दो इंग्रेडिएंट से, जिसमें मैंने लिया है 100 ग्राम बेसन और 1 टीस्पून काला नमक। तो सबसे पहले हम एक लेंगे मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल में हमने इस बेसन को छान लेना है। छानने के लिए मैंने ली है छलनी, उसमें बेसन को डाल के हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई मोटा बेसन का दाना ना हो और लम्स वगैरह ना आए। तो फ्रेंड देखिए, बेसन को मैंने छान लिया है। अब अपनी बूंदी को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डाल रहा हूं 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 3/4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगा। पहले अगर आपके पास विस्कर नहीं है आप सिंपल चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करना है। पानी आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारा जो ये बैटर तैयार होगा ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर हमारा बैटर ज़्यादा पतला बन गया तो हमारी जो बूंदी बनेगी वो गोल नहीं बनेगी, लंबी लंबी बनेगी। और अगर हमारा बैटर ज़्यादा गाढ़ा बना, यानी कि इसमें अगर हमने इसमें पानी की क्वांटिटी कम डाली, तो हमारी जो बूंदी है वो चपटी बनेगी। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है। हमारा जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ और अपना बैटर बना रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा बन गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें पूरी धार बननी चाहिए इस बैटर में हमारे में जब हम इसको उठाएं ऐसे करके। ये देखिए, तो इसकी धार बन रही है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही आई है। अगर आप अपनी बूंदी को फीकी बनाना चाहते हैं तो इसमें नमक मत डालिएगा, लेकिन मैं अपनी बूंदी को हल्का सा नमकीन बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं इसको रायते में यूज़ करूंगा। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यूज़ कर रहा हूं ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, जो मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसको डाल के अब हमने इसको बस 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है, अच्छे से इसको विस्क करना है हमने, ताकि हमारा ये जो बैटर बने हल्का सा फ्लफी हो जाए। इससे जो हमारी बूंदी बनेगी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और फूलेगी वो फ्राई करते टाइम। इतना फेंटने के बाद मेरे हिसाब से तो इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना हो। तो अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो लगभग 5 मिनट हो गए, बैटर हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम बनाएंगे बूंदी। बूंदी बनाने के लिए मैंने ऐसे ली है जो हम घर में अपनी छलनी का इस्तेमाल करते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आप ये छलनी लेंगे, ये इसमें जो होल हो रखे हैं ये बिल्कुल बारीक होल वाली छलनी होनी चाहिए, इससे आपकी बूंदी ज़्यादा मोटी नहीं बनेगी। तो और साथ ही मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और दूसरी बात का जो आपने ध्यान रखना है कि जब आप अपनी बूंदी को फ्राई करें, ऑयल आपका बहुत ही हाई फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल हल्का सा भी ठंडा रह गया तो आपकी बूंदी अच्छी नहीं बनेगी, गोल नहीं बनेगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। हम एक ड्रॉप इसमें बूंदी का डाल के देखते हैं अपने मिक्सचर का। तो ये देखिए, हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार है। अब हम फटाफट अपनी बूंदी को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऐसे हमने छलनी रखनी है बीच में और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हमने बैटर इसके ऊपर डालते रहना है। तो ये देखिए, हमारे नीचे बूंदी बिल्कुल बननी शुरू हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बूंदी कितनी परफेक्ट बनी है, पूरी गोल बनी है। ये देखिए, एक एक दाना इसका गोल गोल बनके तैयार हुआ है। तो इसको अब हमने हल्का सा येलोइश रखना है और गोल्डन कलर होने तक इसको हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
बूंदी हमारी बन गई है, इसमें हल्का सा कलर चेंज आ गया है, तो अब हम इसको फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। और इसको निकाल के हमने डाल देना है इधर एक टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इसके ऊपर सारा एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसे हमने एक पहला बैच अपना फ्राई कर लिया, ऐसे हमने सारी अपनी बूंदी को फ्राई कर लेना है। तो अब हम सेकंड बैच अपना फ्राई करेंगे। सेकंड बैच फ्राई करने के लिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो हम अक्सर गलती करते हैं, जो आपकी ये छलनी है जिसमें हमने ये अपनी बूंदी बनाई थी, इसको आपने अच्छे से पीछे से साफ कर लेना है। अगर आप पीछे से इसको साफ नहीं करेंगे अच्छी तरह से, तो आपकी बूंदी गोल नहीं बनेगी। आगे से आपको साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पीछे से ये देखिए छलनी पूरी साफ होनी चाहिए। चाहे आप इसको किचन क्लॉथ के साथ एक बार साफ कर लीजिए ऐसे। तो अब हम अपना दूसरा बैच ऐसे ही सिंपल उसी तरीके से दोबारा फ्राई करेंगे। ये देखिए अब ऐसे फिर दोबारा से मैं अपना मिक्सचर उसमें ऊपर से डालता हूँ छलनी के ऊपर, और ये देखिएगा नीचे कैसे हमारे बूंदी फ्राई होती है। तो ये देखिए हमारा ऐसे दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। ऐसे हमने अब अपने सारे मिक्सचर को फ्राई कर लेना है। तो इस बूंदी को देखिए बनाने में हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगा। अगर हम मार्केट से बूंदी लेके आते हैं तो एक तो वो महंगी पड़ती है, और दूसरा पता नहीं वो किस तरह टाइप से वो बनाते हैं। तो आप बूंदी घर पे बनाया कीजिए जो मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बूंदी कितनी गोल बनी है और कितनी खस्ता बनी है। इसको आप चाहे नमकीन के तौर पे खा सकते हैं, या आप इसको रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिए कि आपने ये घर पर बूंदी बनाई गोल बनी या नहीं बनी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी अपना कोई नया वीडियो डालूँ उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आता रहे। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने नियर्स एंड डियर्स और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी परफेक्ट मेथड पता चल सके गोल बूंदी बनाने का। और हाँ, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।